नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशिता नागपाल और आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ। मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर एनडीए गठबंधन में सहमति नहीं बनने के चलते बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट गया है। ऐसे में क्या आपको पता है कि लगातार दो बार हरियाणा के सीएम की कुर्सी संभालने वाले मनोहर लाल खट्टर कितने अमीर है? हरियाणा में सत्ता संभालने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इसके साथ ही वो कई बार अपने विवादित बयानों के चलते भी सुर्खियों में छाए रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा की राजनीति में भूचाल लाने का दम रखने वाले मनोहर लाल खट्टर के पास कितनी संपत्ति है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एडीआर 2023 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की संपत्ति का उसमें खुलासा किया गया था। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल थे। खट्टर के पास फिलहाल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर का परिवार 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय हरियाणा के रोहतक में आकर बस गया था। उन्होंने पंडित नेकीराम शर्मा सरकारी कॉलेज रोहतक से पढ़ाई की है, जिसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उनका सपना डॉक्टर बनने का था और उन्होंने 3 बार प्री मेडिकल टेस्ट भी दिया, लेकिन पास नहीं कर पाए। 24 साल की उम्र में वो आरएसएस से जुड़े और आजीवन शादी न करने का फैसला किया। उनके परिवार ने इस फैसले का विरोध भी किया, लेकिन वो अपने फैसले पर टिके रहे। खबरों के मुताबिक मनोहर लाल के पास 1,27,00,000 रुपए से ज्यादा के कुल असेट्स हैं, जिसमें 1,00,000 रुपए से ज्यादा की कैश और करीब 2,50,000 रुपए बैंक में जमा है। पूर्व हरियाणा सीएम पर 5,00,000 रुपए से ज्यादा का भी पर्सनल लोन है। अचल संपत्ति की बात करें तो उनके पास 50,00,000 रुपए से ज्यादा की कृषि योग्य भूमि है। इसके अलावा उनके पास 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत वाला एक घर है। इस पर आपका क्या कहना है हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए स्टोरी हाउ।